मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का क्या सीन्स होंगे हॉलीवुड से बेहतर? क्या है फिल्म का नया अपडेट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ गदर 2 फिल्म से जुड़े कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले कि आखिर फिल्मी दुनिया में पक क्या रहा है। अब सनी देओल की आने वाली सभी फिल्मों में से किसी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा होगा तो वो है गदर 2। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि 2001 में रिलीज हुई फिल्म ने झंडे ही कुछ ऐसे गाड़े थे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि गदर 2 का बजट काफी हाई होने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं कि गदर की ऑडियंस काफी बदल चुकी है, इसीलिए गदर 2 में काफी ज्यादा बदलाव लाए गए हैं। ऐसे में जो गदर के फैंस नहीं है वो भी फिल्म का इंतजार करेंगे। हमें तो पता ही है कि साउथ इंडस्ट्री कितने हिट पे हिट दिए जा रही है। हाल ही में आई शमशीरा जो रणबीर कपूर की फिल्म है वो भी फ्लॉप होती नजर है। वैसे इस फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। ऐसे में जो गदर 2 के मेकर्स है उनपे सबसे ज्यादा प्रेशर है कि हमारी जो गदर 2 फिल्म है वो हिट होनी ही चाहिए। वैसे आपको एक और बात बता दूं कि फिल्म में जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं उनकी भी जो रिसेंट फिल्में थी वो सारी फ्लॉप ही थी। और जाहिर सी बात है कि जो फिल्म है वो भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित होने वाली है, जिसके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते नजर आ रहे हैं। रूमर्स की माने तो फिल्म का क्लाइमैक्स 15 मिनट का होने वाला है, जिसमें हमें सनी बाजी गदर मचाते दिखने वाले है। कहा जाता है कि ये जो क्लाइमैक्स है वो उदयपुर की किसी जगह पर शूट किया गया है और जयपुर की वो जगह को पूरा भारत पाकिस्तान का सेट बनाया गया है। और VFX और क्रोमा की मदद से हमें फिल्म के एक्शन सीन्स काफी दमदार दिखने वाले हैं। जैसा कि हमने 2001 की गदर में देखा कि फिल्म का क्लाइमैक्स काफी इमोशनल था, जिसमें सकीना को गोली लग जाती है और जिसकी वजह से तारा और अशरफ अली के बीच में की जो जंग है वो रुक जाती है और एंडिंग हैप्पी हो जाती है। लेकिन गदर 2 में हमें क्लाइमैक्स काफी धमाकेदार दिखने वाला है विद फुल ऑफ एक्शन सीन्स। अब ऐसा भी नहीं है कि इस फिल्म में जो एक्टर्स है वो हर टाइम से फ्लॉप ही रहे हैं। भाई एक जमाना था जब इन एक्टर्स की मूवीज थिएटर में लगती थी तो भीड़ कम नहीं होती थी, लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि जमाना बदल गया है। वैसे कि आप भी गदर के फैन हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो चलिए जल्दी मिलते हैं और नए गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।